गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी विल स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नामकरण। इन द सेकंड स्टेप वी स्टडी अबाउट द आइसोमेरेज। एंड इन द थर्ड स्टेप वी स्टडी अबाउट द जीओसी। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फर्दर वी स्टडी अबाउट द SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। After that, we study about the aromatic compound and carbonyl compound. Aromatic compound. And carbonyl compound. हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे, या स्ट्रक्चर फार्मूला दिया रहेगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। जो है हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड्स विच हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी वो यौगिक जिसमें जो है केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम लोग जो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन और एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो है एल्कीन और एल्काइन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हाइड्रोकार्बन के नाम के लिए कुछ नियम है, रूल है, उस रूल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तब उसके बाद जो है
किसी भी कंपाउंड का नामकरण हम लोग करेंगे। जो है नामकरण के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एल्केन लेते हैं। जो है एल्केन एल्केन लेते हैं जो है एल्केन के अंतर्गत जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत कुछ हम लोग रूल लिखेंगे। जो है रूल में सबसे पहले जो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले रूल के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, तब पश्चात जो है हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला लिख करके उसका नामकरण करेंगे। जो है रूल नंबर वन पहला नियम है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर वन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लोग चेन का सिलेक्शन करेंगे। जो है सबसे लंबा जो चेन रहेगा उसको जो है सिलेक्ट करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल एक है पहला एग्जाम्पल है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं। जो है यहाँ जो है जो इंड पॉइंट है यहाँ पर कार्बन एटम है, यहाँ CH3, यहाँ जो है कार्बन जो एटम है कार्बन की वैलेंसी जो है चार होती है, चार में से दो जुड़ा हुआ है, यहाँ दो है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है CH2, यहां भी जो है CH2, यहां CH2 एट दिस पॉइंट एक दो तीन ओनली CH। आफ्टर दैट फर्दर दिस CH3 एक वैलेंस से जुड़ा है, तीन है, तीन कार्बन एटम है CH3। आफ्टर दैट CH2 फर्दर CH3, इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे। एक चेन तो यह होगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर से चलते हैं तो 6 कार्बन एटम है और इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है, इसलिए पहला नियम कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हम लोग चेन का सिलेक्शन करेंगे, इसमें क्या होगा जो है इसमें यहाँ से इस चेन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इस चेन का हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पहला नियम कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है जो है और एग्जाम्पल हम लोग देख लें। एग्जाम्पल टू दूसरा एग्जाम्पल है
अब देखा जाए जो है आगे चला जाए देखा जाए यहां जो है इसमें सबसे पहला काम है जो है चेन का सिलेक्शन करना है। जो है चेन के सिलेक्शन के लिए एक दो यहाँ एक कार्बन एटम आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस 10 से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारा सबसे लंबा चेन होगा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें 12 कार्बन एटम है तो सबसे लंबा चेन क्या होगा जो है सेलेक्ट करेंगे इस चेन को सेलेक्ट करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे इसमें हम लोग इसमें सेलेक्ट किया है इस चेन को जो है नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल है जो है थर्ड में देखा जाए जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 कार्बन एटम है जो है इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से भी 10 है जो है इधर से भी 10 है इधर से भी 10 है अर्थात कार्बन एटम का जो संख्या है बराबर है ये दोनों चेन जो है समान है इसमें थोड़ा चले जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां से भी 10 है जो है अब जो है सवाल यह है इसमें भी 10 कार्बन एटम है और इसमें भी 10 कार्बन एटम है इसमें भी 10 कार्बन एटम है और इसमें भी जो है 10 कार्बन एटम है इसके बाद से जो है हम लोग अब क्या करेंगे जो है जिसमें साइड चेन इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सिमिलर जब कार्बन एटम जो है सिमिलर रहता है देन वी सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज इस पोजीशन में जो है सबसे अधिक ब्रांच जिसमें रहता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए जो है इधर इसमें चलेंगे तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको यदि हम लोग लेते हैं 10 को इसमें दो ब्रांच है एक और दो और जब इसका सिलेक्शन करते हैं इसका सिलेक्शन करते हैं कि इसमें टू ब्रांच है जो इसमें जो वन ब्रांच है इसमें टू ब्रांच है और इसमें जो है वन ब्रांच है इसलिए जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज जो अधिक शाखाएं हो तो इसमें दो ब्रांच है इसलिए जो है यह जो है सही है इट इज करेक्ट एंड इट इज रॉन्ग यह रॉन्ग का गलत है ये सही है तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है पहला नियम के अनुसार जो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन चेन इस तरह जो है चेन का सिलेक्शन करेंगे उसके बाद से जो है कभी कभी क्या होगा कि जो चेन का सिलेक्शन करेंगे यदि जो है ब्रांच भी समान हो जाए कार्बन एटम की संख्या बराबर हो जाए और ब्रांच की संख्या बराबर हो जाए उस पोजीशन में हम लोग जो है जिस
चेन का ब्रांच सबसे अधिक होगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो है, जैसे एक एग्जांपल बना रहे हैं जो है, थोड़ा ध्यान दीजिए। Now, if the number of carbon atoms and branch are same, then now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के संख्या हम लोग लेते हैं जो है। इस चेन में जो है कार्बन एटम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट कार्बन एटम। ब्रांच कितना है, 1, 2, 3, 4 फोर ब्रांचेस। इन दिस केस इफ वी टेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस केस में भी जो है, यदि हम इस चेन को लेते हैं यहां भी जो है 8 कार्बन एटम है। ब्रांच कितना है, 1, एक यह ब्रांच है और दूसरा यह ब्रांच है, टू ब्रांच। कार्बन एटम इन बोथ केस यानी दोनों केसों में कार्बन एटम तो सेम है, लेकिन इसमें 4 ब्रांच है, इसमें जो है 2 ब्रांच है। अभी हम लोग जो है इसके पहले अध्ययन किए हैं कि जिसमें मैक्सिमम अधिक ब्रांच होगा उस चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो यह इसमें जो है 4 ब्रांच है, यह जो है करेक्ट है और यह सिलेक्शन जो है रॉन्ग है, गलत है। इसके बाद से हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे, नंबरिंग। सेकंड रूल हम लोग पढ़ेंगे नंबरिंग।